Welcome students, linear programming of class 12th. So for this you have the knowledge of linear inequalities of 11th class first. Okay, आपको 11th class का linear inequality जो chapter था वो याद होना चाहिए. अगर नहीं है तो उसका revise कर लो linear programming के लिए. तो linear programming में एक बहुत concept important है, that is linear constraints. लीनियर कंस्ट्रेंट्स. सो लीनियर कंस्ट्रेंट्स का क्या मतलब होता है? लेट एन एग्जाम्पल एग्जाम्पल लेते हैं. एग्जाम्पल है इन विच वी हैव टू हैव अ सम ऑफ 350 रुपीज़. तो हमारे पास 350 रुपीज़ का एक सम है एंड वी वॉन्ट टू परचेज सम गुड्स फ्रॉम दिस वन. लेट इज टेक टू गुड्स और टू थिंग्स. वन इज पेन एंड अदर इज मार्कर. सो the pen of the cost of pen is rupees 20 each and the cost of marker is rupees 30 each. तो एक एग्जांपल ली कि हमारे पास टोटल रुपीज़ कितने हैं, 350. तो हमने पेन और मार्कर ख़रीदना चाहते हैं उससे. ठीक है, पेन पेन की कॉस्ट क्या है, 20 रुपीज़ पर पेन एंड मार्कर की प्राइस क्या है, 30 रुपीज़ पेन मार्कर. तो अब क्या करना है? सो वी हैव डिफरेंट कम्बिनेशंस चॉइसेस फॉर दिस द रिज़ल्ट. क्योंकि हमारे पास 350 रुपीज़ है, हमारी मर्जी है हम पेन ज़्यादा खरीदें मार्कर ज़्यादा खरीदें. तो इसको सिचुएशन को हम ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं. तो पेन मार्कर और मनी लेफ्ट. अगर मैं 17 पेन लेती हूँ, मार्कर कोई नहीं लेती, तो मेरे पास कितना मनी लेफ्ट होगी, रुपीज़ 10. तो अगर मैंने पेन कोई नहीं ले रही हूँ, सारे मार्कर ही खरीद लिए मैंने 11, तो मेरे पास कितनी मनी बचेगी, रुपीज़ 20. तो अगर मैंने दोनों 7-7 ले लिए तो मेरे पास कोई भी मनी लेफ्ट नहीं रहेगी. तो मतलब वी हैव द डिफरेंट कम्बिनेशंस अकॉर्डिंग टू द प्राइस और अकॉर्डिंग टू द चॉइस ऑफ आवर मूड की बात होती है कि हमने क्या लेना है. तो कंस्ट्रेंट का क्या मतलब क्या है? सो द कंसेप्ट ऑफ कंस्ट्रेंट मीन्स कम्स हियर बिकॉज वी कैन नॉट परचेज है. यू कैन से अगर हम 8 पेन खरीदें और 7 ही खरीद लें तो हमारा जो है बजट है वो एक्सीड हो जाएगा. कितना एक्सीड हो जाएगा? प्लस 20 हो जाएगा कि हमें प्लस 20 रुपीज़ और चाहिए. तो इसका मतलब हम 350 में ये नहीं ले सकते, ये वाला कम्बिनेशन हमारा नहीं आ सकता. ये वाला कम्बिनेशन हमारा 350 रुपीज़ में नहीं आ सकता क्योंकि हमें 20 रुपीज़ और चाहिए होंगे. क्यों चाहिए होंगे ये सॉल्व करके देखते हैं. तो 7 को 30 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आ गया 240 एंड यहाँ पे आ गया 210. तो सॉरी 60 एंड यहाँ पे आ गया 210. तो यहाँ पे क्या बना है, 0 टोटल किया इनका, 6 + 1 = 7 और 2 + 1 = 3. तो 370. तो क्लियरली है कि हमें 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा चाहिए फ्रॉम आवर बजट. तो ये वाला क्या है कि जहाँ पे ये वाला कम्बिनेशन जो है वो होल्ड नहीं करेगा, ये हम नहीं ले सकते हैं. सो वी हैव टू फाइंड द पॉजिटिव इंटीजर एक्स एंड वाई सच दैट कि क्या हो कि 20 रुपीज़ पेन के हैं और इसको मैं पेन मान रही हूँ, इसको मैंने मार्कर मान लिया. तो इसको एक लीनियर इनक्वालिटी की फॉर्म में लिख लेना. मैंने क्या लिखा, मैंने 20 रुपीज़ पेन के हैं वो पेन के साथ मल्टीप्लाई कर दिए तो और प्लस 30 रुपीज़ के कितने नंबर ऑफ मैंने मार्कर लेने हैं, मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 350 होना चाहिए. क्यों? क्योंकि मेरा जो बजट है वो 350 ही है, इससे ज़्यादा नहीं जा सकता. या तो उससे कम रह सकता है या उसके इक्वल हो सकता है, लेकिन उससे एक्सीड नहीं कर सकता. तो मैंने इस सिचुएशन को एक इनक्वालिटी में लिख दिया, दैट इज़ 20 रुपीज़ एंड नंबर ऑफ पेंस प्लस 30 रुपीज़ एंड नंबर ऑफ मार्कर लेस देन इक्वल टू 350. तो ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई, इनक्वालिटी बन गई. इन ऑर्डर टू यूटिलाइज होल द मनी वी मस्ट हैव टू बाय एटलीस्ट 2 पेन. अगर हमें अपनी मनी को यूटिलाइज करना है अच्छे से तो हमें क्या है कि एटलीस्ट 2 पेन खरीदने पड़ेंगे, 2 पेन खरीदने पड़ेंगे एंड एटलीस्ट 3 मार्कर खरीदने पड़ेंगे. तो पेन कितने खरीदने पड़ेंगे,
टू, और मार्कर कितने खरीदने पड़ेंगे, थ्री। तो ये हमारी मनी की यूटिलाइजेशन होगी। तो मतलब कि मिनिमम वैल्यू ऑफ क्या हो गई, टू एक्स की, और वाई की क्या हो गई, थ्री। मतलब कि अगर हमें अपनी मनी को अच्छे से यूटिलाइज करना है तो हमारी जो है, मैंने पेन कितने खरीदने हैं, एटलीस्ट टू पेन खरीदूंगी, तो एक्स की वैल्यू जो है कम से कम क्या होनी चाहिए, टू होनी चाहिए। और वाई की वैल्यू कितनी हो, वाई मतलब मार्कर, मार्कर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, नंबर ऑफ मार्कर कम से कम तीन तो होनी चाहिए, तो मेरी मेरी जो बजट है वो यूटिलाइज होगा अच्छे से। तो अब ये क्या है, व्हाट इज दीज, दीज आर द कंस्ट्रेंट्स। सो इनको हम कंस्ट्रेंट्स बोलते हैं, मतलब कंडीशंस बोलते हैं। क्या क्या कंडीशन बनी है कि हमारा क्वेश्चन क्या कंडीशन बना रहा है कि क्या यूटिलाइज हो जाएगा, कि हमारा पूरा बजट है वो यूटिलाइज हो। सो कंस्ट्रेंट्स बिकॉज आर द रिस्ट्रिक्शंस होती हैं एक्स और वाई के लिए, ठीक है ना। तो अब सिंपली आपको क्या करना है, हमारे पास कंस्ट्रेंट्स कौन सी बन गई, एक तो है 20x प्लस 30y इज़ लेस देन इक्वल टू 350, के हमारा इससे बजट नहीं जाना चाहिए। दूसरी क्या थी इनक्वालिटी, कि x पेन की नंबर ऑफ पेन्स कम से कम कितने होने चाहिए, टू, एंड नंबर ऑफ मार्कर कितने होने चाहिए, कम से कम तीन। तो ये हमारी बन गई लीनियर इनक्वालिटी, सॉरी लीनियर कंस्ट्रेंट्स बन गई ये हमारे। तो दीज आर द लीनियर कंस्ट्रेंट। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, सिंपल वही प्लस वन का सारा प्रोसेस चलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको क्या आ गया, एक नई टर्म आ गई लीनियर कंस्ट्रेंट्स। तो ये आपको याद रखना है कि ये अब क्या बन गए हमारे लीनियर कंस्ट्रेंट्स। तो वो सारे स्टेप आपको रिपीट करने हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या था, इसको इक्वालिटी होल्ड करवानी है, इक्वालिटी होल्ड करवा दी। उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या था, कि इसके सोल्यूशन फाइंड कर लेने हैं। लेट्स द सोल्यूशन इज, सोल्यूशन बॉक्स फाइंड कर लेना है हमें। तो आपको पता है वो सारा प्रोसेस, तो आपको वो कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। तो उसके बाद आपको क्या, थर्ड स्टेप क्या था, टेस्टिंग करनी होती है ना, टेस्टिंग करनी होती है। मतलब कि एक्स की वैल्यू भी ज़ीरो रख के देखनी होती है, वाई की वैल्यू भी ज़ीरो रख के देखनी होती है कि वो ओरिजिन इंक्लूड होगा उसमें कि नहीं होगा। तो ठीक है, तो इसमें ये वाला ग्राफ बनेगा, आप इसको सॉल्व करके देखना अच्छे से। तो ये वाला आ गया वाई इज इक्वल टू थ्री, ये आ गया सॉरी, ये आ गया एक्स इज इक्वल टू टू, और ये आ गया वाई इज इक्वल टू थ्री, ये वाली लाइन, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये एक वाई इज इक्वल टू थ्री वाली लाइन आ गई ये वाली, और ये एक्स इज इक्वल टू टू आ गई ये वाली लाइन आ गई, और ये वाली लाइन जो है जो कुछ ऐसे बनेगी, ठीक है। तो ये वाला शेडेड पार्ट जो है वो हमारा रिक्वायर्ड रीजन आ जाएगा। सो दिस इज द ऑल कंसेप्ट ऑफ द लीनियर कंस्ट्रेंट। सबको सबसे पहले आपको क्वेश्चन में क्या ढूंढना है, कंस्ट्रेंट्स ढूंढने हैं, उसके बाद रिस्ट्रिक्शंस हैं क्या क्या हमें लीनियर, कौन सी रिस्ट्रिक्शंस दी गई हैं एक्स और वाई की, वो फाइंड करके उसका सोल्यूशन फाइंड कर लेना है। थैंक यू।